नमस्कार साथियों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज हिंदू नववर्ष की इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज एक ही नहीं बल्कि दो दो पावन अवसर है। आज हिंदू नववर्ष भी है और साथ में चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है, माता शैलपुत्री का दिवस है आज। और इस शुभ अवसर पर हम एक नए ब्लॉग के साथ उपस्थित हुए हैं। हम गौरवान्वित है कि आज इस पावन अवसर उत्सव को हम अपने ब्लॉग के जरिए आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आज हमारे मंदिर प्रांगण को आप देख ही सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर बलूनों से सजाया गया है, रंगीन बनाया गया है मंदिर प्रांगण को। और ये आशा है कि आपको ये प्रस्तुति और हृदय छू लेने वाले माता के संगीत और भजन आपको भी भाव विभोर कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस जो हिंदू धर्म के सुंदर क्षणों को दर्शाती है, ये देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। हम आ चुके हैं माता के मंदिर के अंदर और यहाँ हम देख सकते हैं कि माता रानी को सुंदर, बहुत सुंदर वस्त्रों के साथ सजाया गया, आभूषणों के साथ सजाया गया। और माँ बहुत ही सुंदर लग रही है। माँ तो सुंदर ही है लेकिन नवरात्रों में कुछ और ही बात होती है। तो साथियों, वीडियो में आप देख पा रहे हैं हम साक्षात्कार हो रहे हैं पंडित द्विवेदी जी के, जो इस टीम जो माता की चौकी के भजन कीर्तन करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, उस टीम के वो प्रमुख हैं और उनसे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे और उनके श्रीमुख से हम सुनेंगे उनके अपने शब्दों में कि आज के दिन के लिए वो क्या अपने इस अपने टीम के बारे में और माता के चौकी के बारे में बताना चाहेंगे हमें करेंगे। तो आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? चैत्र का पहला नवरात्रा है आज और सब लोग मिलकर के नवरात्रों के साथ साथ हम लोग आज नए वर्ष का भी शुभारंभ करते हैं। हम लोग का मानना है कि जब भी कोई नया शुरुआत काम करते हैं तो हम इष्ट देव से शुरुआत करते हैं और हमारे इष्ट में कहते हैं कि सबसे प्रथम अगर आता है तो पिताजी बाद में आते हैं, पहले माता फिर पिता। तो अब हमारा नया वर्ष शुरुआत हो रहा है तो नवरात्रों में हम लोग माता से शुरुआत करेंगे, इसके बाद में फिर जैसे जैसे हमारे त्यौहार आते जाएंगे उत्सव मनाते जाएंगे, इसी भाव से नया वर्ष मनाते हैं। तो साथियों, पंडित जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है और पंडित जी की टीम के साथ और मंदिर के सारे भक्तजनों के साथ हम आज के इस चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर माता की चौकी का भाग बनेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, सारी अपडेट सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। और आप लोग सर पंडित जी के साथ है तो थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना चाहेंगे अपने टीम के बारे में। जी बिल्कुल, हम लोग इंद्रापुरम में ही रहते हैं, इंद्रापुरम से आए हुए हैं, हमारे सब पंडित जी के साथ हैं। तो हम लोग पंडित जी के साथ ही पूरी टीम एक साथ रह करके पूरे नवरात्रे माता रानी के भजन और चौकी जागरण करेंगे इस चैत्र नवरात्रे में। और हमारे जो बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं हमारे तबला वादक, आप एक बार इनसे बात करिए तो और अच्छा लगेगा आपको। पंडित जी जो है हमारे विजय द्विवेदी जी पंडित जी, ये 25 साल से हमारे इंद्रापुरम में कार्यक्रम कर रहे हैं। जब इंद्रापुरम डेवलप कर रहे थे, बहुत कम मंदिर थे, तब से हम लोग ये कार्यक्रम इंद्रापुरम में कर रहे हैं। आज कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है इंद्रापुरम में या आप गाज़ियाबाद में भी जहां हम लोगों का कार्यक्रम नहीं होता। बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम निष्भाव से, निष्काम सेवा की तरह से करते हैं हमारे पंडित जी और बहुत ही अच्छे हैं। आप अभी सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम नवरात्रों को सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग जो आज नवरात्रि मना रहे हैं, भागवत होता है कि हमारा जब नववर्ष शुरुआत होता है तो हम लोग सब प्रथम अगर कोई कहते हैं पूजा करते हैं माता के पिता, तो हम लोगों का जो वर्ष शुरुआत होता है हम लोग मेरी
हर कष्ट भगवान मेरा संसार में माते ईश्वरी रक्षा करो रक्षा करो तुमको आना होगा देखो मैया जी कैसे तुमको मना रहा हूँ। तो ये सभी लोग भाग होती है बहुत सारी जाति बहुत सारे भेद है कि जो भी जगह पर मैया जो भी जगह पर मैया हर चीज तो मैं शोर मचा दूंगा। Oh, my God.